गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए सेशन में सभी लोग. ऑल राइट, गुड मॉर्निंग आकांक्षा, मंजू, अंजू, कृष्णा, रिंकी, सभी को गुड मॉर्निंग. तो हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एवरी वन इज ऑल राइट. एक बार मुझे फटाफट से बता दें, मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल क्लियरली? ऑल राइट, ओके, गुड. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी परसेंटेज के बारे में, और दो क्वेश्चंस मैंने दिए थे एज यूजुअल. बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका आंसर किया है, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? देन वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक. जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट विल बी डीएल, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन. एक सवाल जरूर आता है इससे. ऑल राइट, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर. तो ये जो क्वेश्चंस दिए थे, इसका आंसर आप लोगों ने किया है, जिसमें से एक सवाल ये था. इसका क्या आंसर किया है मुझे जरा बताएं. कह रहे हमसे, देखो क्वेश्चन में, मिस्टर अमित गेव 40% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ, ही ऑल्सो गेव 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट. तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर 40% अमाउंट अगर उसने अपनी वाइफ को दिया है, बाकी जो अमाउंट बचा उसका 20% उसने अपने तीन सन्स को बांट दिया. ऑप्शन नंबर वन, ठीक है. क्या हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वॉज स्पेंड ऑन द अदर आइटम्स, ठीक है, एंड द रिमेनिंग रुपीज 12,000 वॉज डिपोजिट इन द बैंक. हाउ मच मनी डिड मिस्टर अमित हैव इनिशियली, इनिशियली उसके बाद कितना पैसा था ये हमको बताना है. ऑप्शन नंबर वन आ रहा है. चलिए, तो मान लेते हैं उसके पास इनिशियली कितने रुपए थे, 100 रुपए थे. 40% यानी कि 40% इसने अपनी वाइफ को दिया है, और जो रिमेनिंग बचा दैट इज 60. इस रिमेनिंग का 20% ही ऑल्सो गेव 20% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि इस रिमेनिंग का 20% भाई 60 का 20% कितना होगा, 12. 12 पार्ट अपने सन्स को दे दिया. जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा वैसा करना. हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वॉज स्पेंड ऑन द अदर आइटम. क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट, यानी कि 60 में से अगर 12 पार्ट दे दिया तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है. दिस वॉज ऑल्सो रिमेनिंग अमाउंट. 60 में से 12 अगर पार्ट चला गया, बचेगा कितना, 48. तो कह रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वॉज स्पेंड ऑन द अदर आइटम्स, यानी कि इसका जो हाफ पार्ट है, 48 का हाफ यानी कि 50% जो पार्ट है, दैट इज 24, वो उसने अदर आइटम्स पे खर्च कर दिया. एंड द रिमेनिंग 12,000 वॉज डिपोजिटेड, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा दैट विल बी 24 पार्ट. ये जो इसने डिपॉजिट किया है, वो डिपॉजिटेड अमाउंट इक्विवेलेंट है 12,000 रुपीज़ के. ये क्वेश्चन में दे रखा है कि बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है 12,000, वो उसने बैंक में जमा किया है. देन हाउ मच मनी डिड मिस्टर अमित हैव, भाई 24 का मतलब अगर 12,000 है तो 1 का मतलब ये हो जाएगा और 100 का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है. सो आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन व्हाट यू विल गेट, ₹50,000, ठीक है, यानी कि इनिशियली उसके पास ₹50,000 होने चाहिए. तो इसका आंसर एकदम सही किया है सभी ने, तो आई डोंट थिंक किसी को अब प्रॉब्लम है इसमें. एनीवन, कोई दिक्कत परेशानी? ओके, ठीक है.
क्रिस्टल क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल क्या कह रहा था, इसका क्या आंसर किया सभी लोगों ने बताएं जरा। इसका क्या आंसर किया, मिस्टर एक्स स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ द रिमेनिंग 25% ही स्पेंड ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, 15% ऑन ट्रांसपोर्टेशन, 15% ऑन मेडिसिन, 10% ऑन एंटरटेनमेंट। ही इज लेफ्ट विद 9,800 रुपीज आफ्टर इंक्योरिंग ऑल दिस एक्सपेंडिचर, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। हमको उसकी मंथली इनकम बतानी। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। वैसा ही सवाल है, मान लेते हैं उसकी जो इनकम है दैट इज 100, इस इनकम का 20% उसने खर्चा किया है हाउसहोल्ड आइटम्स के ऊपर और आउट ऑफ द रिमेनिंग यानी कि जो बाकी का बच गया दैट इज 80%, 80% जो रिमेनिंग पार्ट है इसका 25% उसने स्पेंड किया है चिल्ड्रन की एजुकेशन पे। भाई 80 का 25% कितना होगा? कल मैंने आपको परसेंटेज में बताया है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4। 80 का अगर 1/4 निकालोगे दिस विल बी 20, ठीक है। 15% ऑन द ट्रांसपोर्टेशन का 15% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा कर रहा है यानी कि 12 पार्ट इसका 15%, बाकी 15% यानी कि अगला 12 पार्ट ये कर रहा है मेडिसिन के ऊपर और 10% कर रहा है एंटरटेनमेंट के ऊपर। 10% ऑन का 10% यानी कि 8 पार्ट ऑन एंटरटेनमेंट। नाउ अब कह रहा है ही इज लेफ्ट विद 9,800 रुपीज आफ्टर इनकरिंग ऑल दिस एक्सपेंडिचर फाइंड द मंथली इनकम। वैसा ही सवाल है यानी कि उसके पास कितना पैसा बच जा रहा है, 9,800 रुपीज। अब देखो 80 में से 20 और 8 और 12 कितना हो गए, 40, 52 यानी कि 52 उसने खर्चा कर दिया। 80 में से बचेगा कितना, 60, 28। ये जो 28 पार्ट बच गया दिस इज एक्चुअली सेविंग, ये सेविंग है। 28 का मतलब ये है तो 1 का मतलब ये और 100 का मतलब, 100 का मतलब ये। सॉल्व करिए, यानी कि 3,500 रुपीज, 35,000 रुपीज उसका यहाँ पे मंथली इनकम होना चाहिए। देख लो एक बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कल दिए थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो डीआई के बारे में हम बात करेंगे जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं अलग अलग चार्ट्स के बारे में। तो डीआई के अंदर आपके पास टेबुलर चार्ट आ जाता है, ठीक है। जो डेटा चार्ट्स हैं आपके पास डीआई के अंदर, उसमें सबसे कॉमन जो चार्ट है दैट इज कॉल्ड टेबुलर चार्ट। नंबर टू बार चार्ट, नंबर थ्री पाई चार्ट, नंबर फोर लाइन चार्ट। तो इस तरह के आपको अलग अलग चार्ट्स पूछ सकता है। यूजुअली बार ग्राफ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ट्यूबुलर चार्ट से भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस, ठीक है। ऑलराइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट
क्योंकि परसेंटेज के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, परसेंटेज हमने कल पढ़ रखा है, तो उसी के ऊपर बेस यहाँ पे कुछ सवाल है। ठीक है, तो एक एक करके आप लोगों को उन क्वेश्चन को देखना है और कैसे करना है, तो जो बेस्ट अप्रोच है वो मैं आपको बताऊंगा। बट यू विल टेक योर टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। तो क्वेश्चन को पहले पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है और क्या आपको चार्ट दे रखा है और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, करिए इसको। गुड मॉर्निंग राखी, गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पर्संस इन थाउजेंड्स हु गॉट अफेक्टेड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक इन 5 different cities। ठीक है, ए से लेके ई तक जो अलग अलग सिटीज आपको दे रखी हैं, वहाँ पे कोविड-19 में अलग अलग सिटीज में जो पर्संस अफेक्ट हुए हैं कोविड-19 से, वो हमको दे रखे हैं इसमें थाउजेंड में, जैसे कि 64,000, 54,000, 16,000 इस तरह से। ऑल्सो प्रेजेंट द रेशियो ऑफ अफेक्टेड मेल एंड फीमेल इन देम, यानी कि उस पर्टिकुलर सिटी में कितने मेल और फीमेल का जो रेशियो अफेक्ट हुआ है कोविड-19 से, वो भी हमको क्वेश्चन में दे रखा है। बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वी हैव टू आंसर क्वेश्चन व्हिच इज गिवन। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स हु वर अफेक्टेड बाई कोविड-19 इन ऑल द सिटीज। क्या कहने का मतलब है, समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3, ओके, ऑल राइट। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, बट बहुत आसानी से किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम फ्रैक्शनल मेथड। हमसे ये कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ फीमेल हु वर अफेक्टेड बाय कोविड-19 इन ऑल द 5 cities, नहीं पांचों सिटीज में जो एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स है जो कि कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं, वो बताइए कितनी है। वी हैव टू फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स, ऑप्शन नंबर 3। देखो, हर एक सिटी से नंबर ऑफ फीमेल्स हमको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। कैसे करेंगे देखो, जैसे कि ए सिटी की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 64,000 पीपल है, 64,000 है, इसमें मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, 5:3। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे फीमेल का फ्रैक्शन कितना है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल आर देयर, तो आप बोलोगे टोटल पॉपुलेशन है 5+3 यानी कि 8 में से फीमेल कितनी है, 3, यानी कि फीमेल का जो फ्रैक्शन बनेगा दैट विल बी 3/8। तो भाई 64 का 3/8 फीमेल हो जाएंगी, यानी कि 24,000। तो 24,000 विल बी द फीमेल्स। सिमिलरली हमें यहां भी करना है, यहां पे कितनी फीमेल है, 4 out of 9, 5+4 is 9, यानी कि 4/9, अगेन 24,000, 3:1 यानी कि दिस विल बी 1/4, इट इज इक्वल टू 4, इट विल बी 5/12, यानी कि 20, दिस विल बी 1/3, यानी कि दिस विल बी 9,000।
ये आ गई सारी की सारी फीमेल की पॉपुलेशन, दैट विल बी 48, 48 एंड 20, 68, 68 एंड 4, 72, 72 एंड 9, 81, 81,000, 81,000 को ऐसे लिख सकता हूँ, 81 अलग, 1,000 अलग. वी हैव टू फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स. भाई एवरेज निकालने के लिए कितने सिटीज का एवरेज है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर दो. यानी कि 16,200. ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर. बात समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन बहुत ही कम होगा अगर इसको राइट अप्रोच से करोगे तो. इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फ्रैक्शनल मेथड बेस्ट है. कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को? ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी के ऊपर बेस सवाल है, ठीक है, सेम टेबल के ऊपर बेस आपके पास एक और क्वेश्चन है. टेक योर टाइम. What is the difference between the total number of male in cities B, C, E? यानी कि हमको क्या करना है, difference निकालना है किसके बीच में, B, C, E में जितनी males हैं और जितने females हैं A, C, D में एक साथ, उनके बीच का आपस में difference कितना हो. करिए ऑप्शन 3, ओके, ऑल राइट, ठीक है. यानी कि 12,000. और बताइए ऑप्शन 3, ठीक है. देखो हमको डिफरेंस निकालना था किसके बीच में, बी सी ई में जो मेल्स हैं और ए सी डी में जो फीमेल्स हैं उनके बीच. देखो बी सी ई यहीं पे कर लेते हैं, बी सी ई में जो मेल्स हैं, भाई मेल्स का जो फ्रैक्शन है वो कितना होगा, यहाँ पे मेल्स हैं 5 out of 9, सी के अंदर मेल्स हैं 3 out of 4, यहाँ पे मेल्स है 2 out of 3. तो इसका अगर 5/9 निकाला जाए, इसका 3/4 निकाला जाए, इसका 2/3 निकाला जाए, 30, ये 12, ये 80, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ मेल्स, ठीक है. नाउ नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए सी डी, ए सी डी में नंबर ऑफ फीमेल्स, भाई फीमेल कितनी है यहाँ पे, 3/8, यहाँ पे फीमेल कितनी है, 1/4, यहाँ पे 1/3, ठीक है. तो दिस विल बी 24, यहाँ पे 16 का 1/4 यानी कि 4, 1/3 ऑफ सॉरी This will be 5/12, ठीक है.
तो इसका 5/12 यानी कि 20, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेल्स विल बी 30 प्लस 12 प्लस 18, यानी कुल मिला के ये हो जाएगा कितना, 60। एंड नंबर ऑफ फीमेल्स दैट विल बी 24 एंड 4, यानी कि 28 एंड 48, इनके बीच का डिफरेंस 12, दैट इज इन थाउजेंड, 12,000। ठीक है, ऑल राइट, ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जितना सही से करोगे उतना जल्दी ही आपको इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, पाई चार्ट। पाई चार्ट का ये सवाल है, क्या पूछ रहा है, पहले इसको ध्यान से पढ़ लो एक बार और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करें। इस पाई चार्ट के अंदर आपको दो पाई चार्ट्स दे रखे हैं, जिसमें एक तरफ तो टोटल नंबर ऑफ जो एसीज हैं दैट इज गिवन। टोटल एसी के अंदर दो तरह के एसी हैं, स्प्लिट एसी एंड विंडो एसी। दोनों को प्लस करके हमारे पास देयर विल बी 3000 एसीज, और ये हमको अलग अलग एसी का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है, इस तरह से। और ये चार अलग अलग स्टोर है, एक्स वाई जेड एंड के, देर आर फोर स्टोर्स। एंड इन द सेकेंड पाई चार्ट वी हैव टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट एसीज इन दैट पर्टिकुलर स्टोर। उस पर्टिकुलर स्टोर में स्प्लिट एसी कितने हैं वो हमको दे रखा है, 12,000 एसी है टोटल, जिसमें से एक्स में 30% एसी है स्प्लिट एसी, 25% इज इन वाई एंड 28% इज इन Z and 17% is in K store. We have to find the total AC sold by store X is what percent more or less than the window AC sold by store Y. करिए इसको, परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस का ये सवाल है। एनी वन, ऑप्शन नंबर 4, ओके, यानी कि 20%। परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस, इन दोनों में से ही एक कुछ है, कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, जो भी स्टोर एक्स से जो भी एसी सोल्ड हुए हैं उनका नंबर्स निकालिए, और जो विंडो एसी सोल्ड हुए हैं स्टोर वाई से उनका नंबर निकालिए, देन यू हैव टू कैलकुलेट दी परसेंटेज मोर और लेस। देखो स्टोर एक्स की अगर मैं बात करूं, स्टोर एक्स में हमसे टोटल नंबर ऑफ एसी कह रहा है, भाई टोटल नंबर ऑफ एसी कितने हैं, 3000। तो स्टोर एक्स यानी कि 25% एसी यहां पे है, तो 3000 का 25%
25% का मतलब 1/4, तो दिस विल बी 7500, सॉरी 750, 750 हो जाएगा। तो 750 एसी है स्टोर एक्स के अंदर, और जो विंडो एसी है, स्पेशली विंडो एसी की बात कर रहा है, कहाँ, स्टोर वाई में। स्टोर वाई की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये तो हमको स्प्लिट एसी दे रखा है, यहाँ पे टोटल एसी दे रखा है, बट वी हैव टू फाइंड दी विंडो एसी। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एसी में से जो स्प्लिट एसी है वो माइनस कर देंगे, तो बाकी जो एसी बचेंगे दैट विल बी विंडो एसी। तो विंडो एसी निकालने के लिए स्प्लिट एसी, टोटल एसी माइनस स्प्लिट एसी, ठीक है। तो वाई के अंदर देखो टोटल एसी कितने हैं, 30%, 3000 का 30% यानी कि 900, और स्प्लिट एसी कितने हैं, 25% किसका, 1200 का 25%, यानी कि दिस विल बी, हाँ स्टोर वाई की बात कर रहे हैं ना, हाँ यानी कि 300, तो दिस विल बी 600, ठीक है 600 विंडो एसी होंगे। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्स स्टोर में जो टोटल एसी है वो विंडो एसी का कितना परसेंट लेस या मोर है, भाई किससे कंपेयर हो रहा है, इससे कंपेयर हो रहा है। तो ये क्या है, ये परसेंटेज मोर है, किससे, विंडो एसी से। तो कितना ज्यादा है 600 से, 150 मोर है, यानी कि 20%, दिस इज 20% मोर, दिस इज 20% मोर देन द विंडो एसी दैट इज सोल्ड बाय द स्टोर वाई, इसको बोलते हैं परसेंटेज मोर। समझ आ गई बात, ऑल राइट। क्रिस्टल क्लियर, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक और सवाल है इसी के ऊपर बेस्ड, क्या कहता है तो करें, we have to find the ratio, total number of AC sold by store Z to window AC sold by store X, इनके बीच में हमें ratio बताना है। ऑप्शन बी, ऑप्शन टू, ठीक है यानी कि 22:13, देख लो टोटल एसी सोल्ड बाय स्टोर जेड, ठीक है टोटल एसी सोल्ड बाय स्टोर जेड
एंड स्टोर एक्स जो विंडो एसी सोल्ड कर रहा है के बीच का रेशियो। जेड में अगर देखा जाए टोटल एसी कितने हैं, 22% इसका, 3000 का 22%, 3000 का 22%, एंड टोटल नंबर ऑफ विंडो एसी सोल्ड बाय स्टोर एक्स, स्टोर एक्स में टोटल एसी कितने हैं, 25%, यानी कि 750, और एक्स में जो टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट एसी हैं वो कितने, 30%, यानी कि 360, नहीं 750 माइनस 360, ठीक है। तो दिस विल बी 400, 350 यानी कि 390, ठीक है, 22:13 ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत की बात नहीं, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे यहाँ पे आप लोग बता सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार इसको खुद से पढ़ लो। यहाँ पे 5 शॉपकीपर्स आपको दे रखे हैं एंड द टोटल नंबर ऑफ बाइक जो सोल्ड हुई हैं उस पर्टिकुलर स्टोर में वो दे रखा है, और बजाज बाइक और हीरो बाइक जो सोल्ड की गई हैं उनके बीच का रेशियो दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल शॉपकीपर ए की अगर मैं बात करूँ, उसने जो टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड करी है दैट इज 18% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बाइक्स, जितनी भी बाइक सोल्ड हुई है मार्केट के अंदर उसका 18% बाइक ए शॉपकीपर सोल्ड कर रहा है, और 18% के अंदर बजाज और हीरो बाइक का जो सोल्ड का रेशियो है दैट इज 3:2, और साथ में बी शॉपकीपर को देखोगे तो 22% बाइक बेच रहा है और बजाज और हीरो बाइक का रेशियो है 7:3। ऐसे ही हमको यहाँ पे 5 शॉपकीपर्स का डेटा दे रखा है, लास्ट में हमको ई शॉपकीपर में दे रखा है भाई ये 1250 बाइक्स बेच रहा है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि सभी का जो डेटा है वो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको इसका जो एक्चुअल बाइक सोल्ड करी गई है वो हमको दिया गया है, इससे हम सारा डेटा निकाल सकते हैं आसानी से। इसी को बेस यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बजाज बाइक्स सोल्ड बाई ए ई टूगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ हीरो बाइक सोल्ड बाई ए बी टूगेदर, हमको इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। करिए एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, फिर बाकी कुछ बचता नहीं है क्वेश्चन में। निकालिए डिफरेंस पे ही। एनीवन
थोड़ा सा कैलकुलेट जरूर रहेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको पहले टोटल नंबर ऑफ बाइक्स निकालनी पड़ेंगी और उसके बाद एक एक करके जो बजाज बाइक्स की बात कर रहा है, हीरो बाइक्स की बात कर रहा है, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा आपका, उतना ही जल्दी आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ऑप्शन ए आ रहा है, ओके, बी आ रहा है। देखो सबसे पहले आप देखो कि टोटल जो परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड का, वो कितना है, 18% प्लस 22%, यानी कि ये हो गया 40%, 40 और 20 60%, 60 एंड 15 75%। भाई 75% तो ये हो गया, बाकी जो बचा 25% वो ये वाला होगा, यानी कि शॉपकीपर ई के लिए। ये 25% बराबर हो जाएगा 1250 की। अगर 25% 1250 के इक्विवेलेंट है तो 1% का मतलब, 1% का मतलब हो जाएगा ये, यानी कि 50। 1% इज इक्विवेलेंट टू 50 नंबर ऑफ बाइक्स, 50 बाइक के बराबर होगा। ठीक है, अगर 1% का मतलब 50 बाइक है तो 18% का मतलब 18 इंटू 50, 22% का मतलब 22 इंटू 50, 20% का मतलब 20 इंटू 50। इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ बाइक्स निकाल सकते हैं। सवाल ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बाइक्स बजाज बाइक्स सोल्ड बाई ए एंड ई, ए और ई ने जो बजाज बाइक सोल्ड करी है, ए ने कितनी नंबर ऑफ बाइक सोल्ड करी है, 18 इंटू 50। इसमें से बजाज बाइक कितनी है, 3 है, 3/5। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ बजाज बाइक, वैसा ही सवाल है, फ्रैक्शनल मेथड से करना है। 3/5 अगर इसका मैं निकालता हूँ, दिस विल बी 540। ए के लिए, ई के लिए भी करेंगे सेम। ई में नंबर ऑफ बाइक्स हैं 1250, ये तो हमको डायरेक्टली पता है। इसमें बजाज बाइक्स कितनी है, 2/5, यानी कि 500, कुल मिला के 1040। ये तो ये आ गया कि जो बजाज बाइक्स है ए और ई में एक साथ। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ हीरो बाइक्स सोल्ड बाय ए एंड बी, ए और बी में जो हीरो बाइक्स हैं, दिस इज बजाज एंड दिस इज फॉर हीरो। देखो ए में नंबर ऑफ बाइक्स कितनी है, 18 इंटू 50। इसमें से हीरो बाइक्स कितनी है, 2/5, यानी कि 360, 360। और बी में देखो, बी में नंबर ऑफ बाइक्स है 22 इंटू 50, और वी हैव टू फाइंड द हीरो बाइक्स, यानी कि 3/10। सो दिस विल बी 22 इंटू 15, यानी कि 33। 330 प्लस 360 कुल मिला के ये कितना बना, 690। 690 ये, 1040 ये, दोनों के बीच का डिफरेंस 350, 350। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो है बट इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गई बात सभी को, एक बार बता दे मुझे। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, क्लियर है? ओके चलो, अगर क्लियर है तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसको जरा मुझे करके बताइए, इसका सेकंड पार्ट मुझे करके बताइए।
एनीवन हुआ किसी से? ऑप्शन सी ओके 87.5%। देखें ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, कह रहे टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय सी इन 2017, यानी कि 2017 में जो बाइक सोल्ड की गई, ये जो आपको डेटा दे रखा है ना क्वेश्चन में, ये आपने पीछे पढ़ा होगा, ये जो डेटा है ये 2016 का है, ये सारा डेटा 2016 का है, उसी के रेफरेंस में बात कर रहा है कि जो टोटल बाइक सोल्ड की गई हैं सी शॉपकीपर द्वारा 2017 में, इट्स इंक्रीज बाई 20% कंपेयर टू दैट इन द प्रीवियस ईयर। यानी कि ये जो डेटा है आपके पास ये 2016 का है, तो सी ने कितनी बाइक सोल्ड करी है, 20 into 50, ये तो मैंने डेटा पीछे का उठाया है, पता है आपको टोटल नंबर ऑफ बाइक्स में निकाल सकता हूँ 50 से मल्टीप्लाई करके, इसी को यूज करना है। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर सी इन 2016, इसने कितनी बाइक सोल्ड करी थी सी ने, 20 into 50 यानी कि 1000। लेकिन 2017 में इसने यहाँ पे 20% ज़्यादा बाइक सोल्ड करी, तो 1000 में अगर 20% का इंक्रीमेंट आएगा, इफ देयर विल बी एन इंक्रीमेंट ऑफ 20%, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बाइक्स इन 2017। 1000 का 20% यानी कि 200 बाइक्स का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, यानी कि ज्यादा बेच रहा है, दिस विल बी 1200। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद एंड द नंबर ऑफ टोटल बाइक सोल्ड बाई डी is also increased by 40%. तो D ने जो production किया है bikes का, which is actually 15 into 50, यहाँ भी इसका जो production है 40% से बढ़ गया है, 40% से increase करा है, तो भाई यानी कि 750 का सीधे सीधे आप निकाल लो 140%। समझ आ गई बात किसी को? दिक्कत ठीक है। अब देखो, अब कह रहे देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय डी इन 2017 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय सी इन 2017, यानी कि ये इसका कितना परसेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस। डी ने जो 2017 में बाइक बेची है वो कितना परसेंट है, जो सी ने 2017 में बाइक बेची है उसका कितना परसेंट, ये आपको कैलकुलेट करना है। दिस विल बी 350/4 और वी कैन से 175/2 यानी कि 87.5%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑल राइट ठीक है, तो इस तरह से करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आपको एक ग्राफ दे देता है, उसके ऊपर बेस आपको खूब सारे स्टेटमेंट्स दे देगा। अब पूछेगा भाई इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा सच है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन ये है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टू स्टूडेंट S1 एंड S2 इन फोर सेमेस्टर कोर्स आर प्लॉटेड इन द फॉलोइंग ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमको ये बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे S1 और ये S2 जो है
दो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं चार सेमेस्टर में वो हमको इस ग्राफ में दे रखे हैं. वी हैव टू फाइंड विच स्टेटमेंट इज ट्रू. करिए इसको. हाँ बिल्कुल, डीआई का क्वेश्चन हर जगह आता है, चाहे आप कोई से भी साइंस के हो, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, डीआई का सवाल ही आता है. नहीं ये पीयूआईक्यू नहीं है जो अभी मैंने कराए थे, वो एक नॉर्मल से क्वेश्चन से जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन मान लो. ठीक है, ऑप्शन टू, ऑप्शन बी, ऑप्शन थ्री, हमें ट्रू बताना है ट्रू कौन सा है. ठीक है, बाकी के तीन यहाँ पे गलत होंगे. ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ओके. एक एक करे के जो स्टेटमेंट है उसको देखो. पहला स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है, S2 got higher marks than S1 in all the four semester. यानी कि S2 के जो मार्क्स हैं हायर हैं चारों के चारों सेमेस्टर में एज कम्पेयर टू S1. देखो S2 वाली जो ये लाइन देख रही है ना, S2 के मार्क्स S1 से तो ज़्यादा हैं, लेकिन इस वाले सेमेस्टर में इसके मार्क्स क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल. यानी कि ये तो कह रहा है हायर हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा. और इस वाले सेमेस्टर में तो इसके मार्क्स कम है, यानी कि दिस विल बी रॉन्ग. ओवर द फोर्थ सेमेस्टर S1 इम्प्रूव्ड बाय हायर परसेंटेज कंपेयर टू S2. यानी कि चारों सेमेस्टर में अगर देखा जाए ओवरऑल, तो S1 के जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़्यादा परसेंटेज से इम्प्रूवमेंट हुए एज कम्पेयर टू S2. S1 का सबसे पहले सेमेस्टर में मार्क्स कितने थे, 50, और सबसे लास्ट सेमेस्टर में मार्क्स कितने इसके, 70. इम्प्रूवमेंट कितना है देखते हैं ज़रा, 50 से 70 हो गया है. तो पहले कितना था 50, अब कितना है 70, तो कितना परसेंटेज यहाँ पे हमारा बनता है, यानी कि 140%. इसका ये 140% है. S2 को अगर देखें, फर्स्ट सेमेस्टर में 70 है, लास्ट सेमेस्टर में 80 है. ये 70 से 80 गया है, अब 80 है, पहले 70 था, तो कितना परसेंटेज इसका, 0.07, यानी कि 114% समथिंग है. तो यानी कि यहां से हमको ये तो पता लग रहा है कि S1 का जो इम्प्रूवमेंट है दैट इज हायर देन S2, ये एकदम ठीक है. ऑप्शन नंबर टू हमको सही लग रहा है. ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं. ऑप्शन थ्री, मार्क्स ऑफ S1 एंड S2 आर इक्वल. टोटल मार्क्स हैं S1 S2 के बराबर होंगे. भाई आप सभी को कैलकुलेट करोगे ना, इन सभी मार्क्स को कैलकुलेट करोगे तो S1 S2 के मार्क्स बराबर नहीं आएंगे, दैट विल नॉट बी इक्वल. S1 एंड S2 डिड नॉट गेट द सेम मार्क्स इन एनी सेमेस्टर. सेकेंड सेमेस्टर में दोनों के सेम मार्क्स आए हैं, इसलिए भी गलत है. तो सीधा सा क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से. ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले एक बार मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया है. सीधा सा क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर होगा बताओ. द स्टूडेंट ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ फोर स्नेल्स एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस मूव्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. यानी कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में यहाँ पे आपको चार ग्राफ दे रखे हैं. एक स्नेल है वो जो कि मूव कर रहा है, उसके जो मूवमेंट है डिस्टेंस और टाइम का आपको ग्राफ दे रखे हैं, चार ग्राफ हैं. तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि चारों में से कौन सा ग्राफ नहीं बनाया जा सकता है किसी भी हाल में, विच इज इम्पॉसिबल टू
ड्रॉ, सीधा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? अगर देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि ये जो ग्राफ है ना, ये वाला ऐसे जा रहा है, फिर उल्टा जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, यानी कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे करके वाई एक्सिस के पैरेलल, तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा जो पोजीशन है उस स्नेल का, तीन अलग अलग जगह दिखा रहा है। देखो इस सेम टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 3 सेकेंड्स का समय है, यहाँ पे 3 सेकेंड्स है, 3 सेकेंड्स, तो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है, एक पोजीशन यहाँ दिखा रहा है, एक पोजीशन यहाँ दिखा रहा है, एक पोजीशन यहाँ दिखा रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्सन 3 जगह कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब दिस विल बी रॉन्ग, ये वाला ग्राफ गलत है। ठीक है, हमने पहले कर रखा है, तो आगे बढ़ते हैं। इसको करें, क्या कह रहा है, देखो रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल स्टूडेंट इन अ कॉलेज फॉर 5 ईयर्स इज प्लॉटेड इन द फॉलोइंग लाइन ग्राफ। ये आपको लाइन ग्राफ दे रखा है, और यहाँ पे 2008 से लेके 2012 तक का मेल फीमेल के रेशियो का ग्राफ आपको दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल 2008 में मेल और फीमेल का जो रेशियो है दैट इज 2.5, 2009 में मेल और फीमेल का बीच का रेशियो कितना है 3, 2010 में दिस इज 2, इस तरह का रेशियो आपको दे रखा है मेल और फीमेल का। ठीक है, कह रहा है इफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट डबल इन 2009, यानी कि 2009 में जो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट है वो डबल हो जाती है, बाय व्हाट परसेंट डिड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इंक्रीज इन 2009, 2009 में कितने परसेंट से नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स यहाँ पे इंक्रीज होते हैं, वी हैव टू फाइंड दैट। करिए इसको, ऑप्शन फोर यानी कि 140%। ठीक है, और बताइए इस रेशियो को समझ रहे हो ना, 2.5 रेशियो का मतलब क्या है? देखो मेल और फीमेल के बीच का जो रेशियो है 2008 में दिस इज 2.5, इसको पहले सही रेशियो में पहले चेंज करो, 2.5 का अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो दिस कैन बी रिटन एज 25/10, इसको अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 5 से कैंसिल किया, दिस विल बी 5:2, मेल फीमेल का जो रेशियो है 2008 में दिस इज 5:2, 2009 में अगर देखोगे दिस इज 3, 3 का मतलब क्या, एक्चुअल में 3 का मतलब है अपॉन में क्या होगा, 1 होगा, यानी 3:1, इस तरह से आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन टू। चलो अब सारा फोकस यहाँ पे रखो स्क्रीन पे। इफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट डबल इन 2009, यानी कि जो नंबर ऑफ फीमेल है 2009 में डबल हो जाती है, भाई 2008 में कितनी है, 2008 में मेल फीमेल के बीच का जो रेशियो है विच इज 5:2, अभी हमने निकाला था कि 2.5 का मतलब क्या है, एक तरह से 5:2 है, तो कह रहे हैं 2009 में, ये तो 2008 का है, 2009 में जो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट है वो डबल हो जाती है, तो फीमेल को अगर मैं डबल कर दूंगा यहाँ पे, दिस विल बी 4 टाइम्स, 2 into 2 यानी 4, बाई 1% डिड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इंक्रीज इन 2009,
एक्चुअल में जो रेशियो है 2009 का विच वॉज 3:1, जो एक्चुअल रेशियो है 2009 का विच इज 2:3, देखो यहाँ पे फीमेल कितनी है 1 है, बट यहाँ पे कह रहा है डबल हो गई है तो ये 4 हो गई, एक्चुअल में तो 3:1 है ना। इस रेशियो को मैं इस फॉर्म में अगर चेंज करूँगा, यानी कि 1 को अगर मैं 4 बनाना चाहूँगा, इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस विल बी 4 × 3 = 12, एंड दिस विल बी 4 × 1 = 4। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये भाई नंबर ऑफ फीमेल्स क्या हो गई यहाँ पे, डबल हो गई, तो इसको हटा दो, ठीक है। इसका मतलब जो नया रेशियो है मेल और फीमेल का, दिस विल बी 12:4, इसमें नंबर ऑफ फीमेल्स डबल हैं 2009 के अंदर। तो कह रहा है मेल्स जो हैं कितने परसेंट से इंक्रीज करें, पहले मेल्स थे 5, अब हो गए हैं 12, 5 से कितने बढ़ गए हैं 7 इंक्रीज हो गए, 5 से 7 इंक्रीज होके 12 हो गए, तो देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 7, इनिशियली थे 5 × 100, तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज इंक्रीज, जितना इंक्रीमेंट आया उसको ऊपर लिखो, इनिशियली जितने थे उसको नीचे लिखो, × 100, दिस यू हैव टू सॉल्व दिस, यानी कि 140%, 140% का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात, तो जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा हमको करना है। ऑल राइट, ठीक है ना। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस डीआई के अंदर, तो ऐसे ही और भी टॉपिक्स में यहाँ पे लेके आता रहूँगा, और जो नेक्स्ट वीक का जो भी शेड्यूल है वो आपको जल्दी मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग और भी प्रैक्टिस करो, तो मान के चलो एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आपका एग्जाम में बनेगा इस तरह से, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन इज दिस, ये आपको होमवर्क के अंदर करना है, और कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर करना है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, और ये होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व दिस, ओके, ऑलराइट। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो, कीप प्रैक्टिसिंग ऑन डेली बेसिस, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही पास आ चुका है, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग, ऑलराइट ऑलराइट।